नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेन चौधरी। स्वागत है आप सभी को आपकी अपने एजुकेशनल चैनल जेके एरुटेक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्राइमरी मेमोरी के बारे में कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, कैसे कार्य करती है और इसका कंप्यूटर में क्या उपयोग होता है और ये कितने प्रकार की होती हैं प्राइमरी मेमोरी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और अभी तक आप लोगों ने जेके एरुटेक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके जेके एरुटेक को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जेके एरुटेक की तरफ से जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। दोस्तों, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है। इस मेमोरी को टेम्प्रोरी मेमोरी भी कहते हैं। यह मेमोरी कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी होती है। इसे वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं क्योंकि जब तक बिजली इस मेमोरी में रहती है तब तक इसमें रखा गया डेटा सेव रहता है, यानी सुरक्षित रहता है। लेकिन जैसे ही बिजली बंद हो जाती है तो इस मेमोरी में रखा गया डेटा डिलीट हो जाता है। यानी कि जो प्राइमरी मेमोरी होती है दोस्तों, वो कंप्यूटर की सबसे मेन मेमोरी होती है और इसमें जो डेटा होता है वो अस्थाई होता है, यानी वो टेम्प्रेरी मतलब कुछ टाइम के लिए होता है। आगे देखते हैं क्या है। प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार की होती हैं, यानी कि पहला रैम, यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरा होता है दोस्तों रोम, यानी कि रीड ओनली मेमोरी। ये दोनों जो है प्राइमरी मेमोरी के एग्जांपल हैं। अब देखते हैं रैम क्या होता है। रैम का पूरा फुल फॉर्म होता है दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी। इस मेमोरी को कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी भी कहते हैं। इसमें कोई भी डाटा स्टोर नहीं रहता है। जब तक कंप्यूटर ऑन रहता है तब तक रैम में डाटा या प्रोग्राम अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है और कंप्यूटर प्रोसेसर आवश्यक डाटा प्राप्त करने के लिए इस डेटा का उपयोग करता है। और जैसे ही आप कंप्यूटर शटडाउन करते हैं वैसे ही सारा डाटा डिलीट हो जाता है। इस रैम को वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं, यानी कि जो रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो उसकी जो मेमोरी होती है वो अस्थायी होती है। ठीक है, अब देखते हैं रैम कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो रैम दोस्तों मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, डी रैम, एस रैम और स्टैटिक रैम, यानी कि डायनेमिक रैम, सिंक्रोनस रैम और स्टैटिक रैम। डायनेमिक रैम देखते हैं दोस्तों क्या होता है। इसे डी रैम के नाम से जाना जाता है। डी रैम को डायनेमिक रैम के नाम से जाना जाता है। डी रैम में डाटा मेमोरी सेल में स्टोर होता है। प्रत्येक मेमोरी सेल में एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर होता है जिसमें थोड़ा थोड़ा डाटा स्टोर किया जाता है, लेकिन लगभग 4 मिलीसेकंड बाद मेमोरी सेल नियंत्रक मेमोरी को रिफ्रेश करते रहते हैं। रिफ्रेश करने का अर्थ है कि वह डाटा को रीराइट करते हैं, इसलिए डी रैम काफ़ी धीमी होती है। लेकिन यह अन्य मेमोरी के मुकाबले कम बिजली खाती है और लंबे समय तक ख़राब नहीं होती है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों अगला जो है सिंक्रोनस रैम। ये क्या होता है, इसे एस रैम भी बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है सिंक्रोनस रैम। सिंक्रोनस रैम डी रैम से ज़्यादा तेज होती है, इसी वजह से कि यह डी रैम से ज़्यादा तेज़ी से रिफ्रेश होती है। सिंक्रोनस रैम सीपीयू क्लॉक स्पीड के साथ रिफ्रेश होती है, इसलिए ज़्यादा तेज़ी से डाटा स्थानांतरित कर पाती है। स्टैटिक रैम, इसे एस रैम के नाम से जाना जाता है। स्टैटिक रैम कम रिफ्रेश होती है लेकिन यह डाटा को मेमोरी में अधिक समय तक रख पाती है। यह डाटा को तब तक स्टोर रखती है जब तक सिस्टम को करंट मिलता रहता है। यह बहुत तेज़ी से डाटा को एक्सेस करती है। स्टैटिक रैम को जब तक रिफ्रेश नहीं किया जाता तब तक डाटा स्टोर रहता है। इसे कैश मेमोरी भी कहते हैं। अब देखते हैं दोस्तों रोम क्या होता है। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। यह एक अस्थायी मेमोरी है। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है। इसको तैयार करते समय जो डाटा या प्रोग्राम डाले जाते हैं वो ख़त्म नहीं होते हैं,
कंप्यूटर का स्विच ऑफ होने के बाद भी रोम में संग्रहित डाटा नष्ट नहीं होता है। इसे नॉन वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं। रोम कितने प्रकार के होते हैं? तो रोम दोस्तों बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं, ईपी रोम, पी रोम, ईईपी रोम। पहला देखते हैं दोस्तों पी रोम। पी रोम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पी रोम यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी को केवल एक बार ही डाटा स्टोर किया जा सकता है, यानी इसे मिटाया नहीं जा सकता और न ही बदला जा सकता है। अगला देखते हैं दोस्तों ईपी रोम। ईपी रोम का पूरा फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम का पूरा नाम जो है दोस्तों होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह पी रोम की तरह ही होता है, लेकिन इसमें संग्रहित प्रोग्राम स्टोर्ड प्रोग्राम को पराबैंगनी किरणों यानी अल्ट्रा वायलेट रे के द्वारा ही मिटाया जा सकता है और नए प्रोग्राम संग्रहित किए जा सकते हैं। यानी कि इसमें रखे गए डेटा को अल्ट्रा वायलेट रेज यानी पराबैंगनी किरणों के द्वारा नष्ट करके ही डेटा को स्टोर करने योग्य बनाया जा सकता है। अगला है दोस्तों ईईपी रोम। इसका पूरा फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यानी कि ईपी रोम का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। एक नई तकनीक ईपी रोम भी है जिसमें मेमोरी से प्रोग्राम को विद्युतीय विधि से मिटाया जाता है। यानी इसमें रखे गए प्रोग्राम को जो है इलेक्ट्रिक वे यानी बिजली के माध्यम से जो है इसमें रखे डेटा को हटाया जाता है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये थे मेमोरी कि मतलब मेमोरी क्या होती है और इनके प्रकार क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, इस मेमोरी जो ये मेमोरी होती है इनका कंप्यूटर में बहुत ही अत्यधिक यूज होता है। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं मुख्य रूप से कि क्या होता है। देखिए, कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी होती है दोस्तों वो जो है कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है, और इसमें यह मेमोरी जो प्राइमरी मेमोरी है ये भी जो है दो प्रकार की होती है, एक होता है रैम और दूसरा होता है रोम। प्राइमरी मेमोरी का दो भाग होता है, एक होता है रैम और एक होता है रोम। बेसिकली आप ये तीन चीज़ें याद कर लीजिए कि रैम कितने प्रकार के होते हैं और रोम कितने प्रकार के होते हैं। तो रैम दोस्तों तीन प्रकार के होते हैं, डायनेमिक रैम, सिंक्रोनस रैम और स्टैटिक रैम, यानी कि डी रैम, एस रैम और एस रैम। यानी कि एस रैम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैम और डी रैम का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैम। और रोम देखते हैं दोस्तों, रोम के भी कुछ प्रकार होते हैं कि रोम कितने प्रकार के होते हैं। तो रोम बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। तो पी रोम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और ईपी रोम का फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और ईईपी रोम का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये जो दोस्तों थे ये रोम और रैम के प्रकार थे, और ये दोनों रैम और रोम जो हैं ये प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। तो इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से आप तैयार कर लीजिए कि एग्जाम में ट्रिपल सी के एग्जाम वगैरह में आता है कि रोम कितने प्रकार के होते हैं और रैम कितने प्रकार के होते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे एजुकेशनल चैनल जेके एरुटेक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के लिए आपको करना क्या है, नीचे दिया गया जो रेड बटन है उस पर आपको क्लिक करना है और सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, और ये वीडियो आपको और अच्छा लगता है या इसको लगता है कि आपकी इस वीडियो से अन्य किसी की मदद हो सकती है तो प्लीज़ इस वीडियो को जो है व्हाट्सएप, फेसबुक, लिंक्डइन या किसी भी सोशल मीडिया थ्रू के मतलब सोशल मीडिया के जरिए जो है अपने दोस्तों, फैमिली या अन्य ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिलता रहे। और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे एजुकेशनल चैनल जेके एरुटेक में। मिलते हैं अगले पार्ट्स में सेकेंडरी मेमोरी के लेकर।
थैंक यू, नमस्कार।